अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ज़ीशान रज़ा है और आप ज़ीशान रज़ा ऑफिशियल देख रहे हैं। नाज़रीन, गज़ा में इस वक्त जो हमास और इसराइल के दरमियान जंग जारी है उसकी ताज़ा तरीन जो अपडेट्स हैं उससे मैं आपको आगाह करूंगा। और सबसे पहले आपको बता चलूं कि इसराइल की जानिब से बमबारी जो है वो जारी है, 900 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं जबकि सैकड़ों ज़ख्मी हैं और 187,000 जो हैं वो फ़लस्तीनी बेघर हो चुके हैं। जबकि ताज़ा तरीन अपडेट्स कुछ यूँ हैं कि हमास यानी इसराइल और लबनान के बाद अब जो शाम है वो भी इस जंग में जो है वो शामिल हो चुका है। ये ताज़ा तरीन अपडेट्स जो हैं वो आ रही हैं और उसके साथ साथ आपको बताते चलेंगे कि अक़वामे मुत्तहिदा की क्या रिपोर्ट सामने आई हैं, अक़वामे मुत्तहिदा क्या कहती है वो भी आपको बताएंगे। और साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक जो है 187,000 अफराद जो हैं वो बेघर हुए हैं। ताज़ा तरीन आज क्योंकि पाँचवा रोज़ है इस जंग को और पाँचवें रोज़ की जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं उससे मैं आपको आगाह करूँगा। तो आगाज में आपसे जो है वो ब्लॉग के गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे हमें फॉलो करें ताकि खबरों का सिलसिला इस तरह ही जारी रह सके। तो नाज़रीन पांचवा रोज़ है गज़ा में जारी जंग को और ताज़ा तरीन जो अपडेट्स हैं वो कुछ यूँ मौसूल हो रही हैं कि 900 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और इसराइल की जानिब से बमबारी जो है वो जारी है। पनाह गुज़ीर जो कैंप्स हैं उनको भी निशाना जो है वो बनाया गया है। और यहाँ ताज़ा तरीन अपडेट आपको कुछ यूँ करें कि 7 सहाफ़ी भी जो हैं वो दौरान कवरेज जो हैं वो जहाँ बाहक हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं और 3 सहाफ़ी जो हैं वो फ़लस्तीनी जो हैं वो शहीद हुए हैं जबकि बाकी भी जो साफ़ी यानी कुल जो हफ्ते से इस शुरू होने वाली जो जंग में अब तक जो है वो 7 साफ़ी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। और अक़वामे मुत्तहिदा का ये कहना है कि वहाँ पर जो नाकाबंदी की गई है ये जो है वो बहुत अफसोसनाक अमल है इसराइल की जानिब से क्योंकि वहाँ पे बिला तफरीक इसराइल की जानिब से जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। वहाँ पे लोगों को वहाँ के फ़लस्तीनी जो शहरी हैं उन्हें बिला तफरीक निशाना जो है वहाँ पर बनाया जा रहा है और पनाह गुज़ीर जो हैं उनके कैंप्स पर भी हमले किए गए हैं और साथ साथ जो रज़ाकार हैं वो भी निशाना बने हैं। और यहाँ आपको बताते चलें कि बड़ी तादाद में जो वहाँ पर लोग खौफ का शिकार हैं, लोग अपनी जान बचाने के लिए जो उन्होंने पनाह ली है वो स्कूल्स में पनाह ली है। फ़लस्तीनी जो हैं वो इस वक्त स्कूलों में बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है जबकि रिपोर्ट्स कुछ ये आई हैं कि स्कूलों को भी निशाना जो है वो बनाया गया है। और यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक 187,000 अफराद बे यारो मददगार हैं बेघर हो चुके हैं। इमारतें जो हैं वो गज़ा की ज़मीन बोस हो चुकी हैं, शदीद इमारतों को जो है वो नुकसान जो है वो पहुंचा है। और इस वक्त जो गज़ा में सूरत हाल है वो कुछ यूँ है कि बमबारी जो है वो जारी है। दूसरी जानब अगर हम बात करें हमास की तो हमास की जानब से भी जो है वो शदीद झड़पें इसराइल की इसराइली फौजों के दरमियान जो हैं वो जारी हैं और रिपोर्ट्स कुछ ये आ रही हैं सामने कि 1200 इसराइली जो हैं वो हलाक हो चुके हैं और बड़ी तादाद में ज़ख्मी भी हुए हैं। और हमास की जानिब से जो है वो करीब अगर हम बात करें गज़ा में तो गज़ा में जो है वो इस वक्त 20 मकामात पर जो है वो शदीद झड़पें जो हैं वो जारी हैं। ये रिपोर्ट्स जो हैं वो कुछ सामने आई हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर शाम की तो शाम भी अब इस जंग में शामिल हो चुका है और पहले चूँकि फ़लस्तीन और लबनान इस जंग में जो हैं वो शामिल थे और अब शाम भी शाम की जानिब से भी जो है रिपोर्ट्स ये आ रही हैं सामने के हमले जो हैं वो किए जा रहे हैं और शाम भी अब इस जंग में जो है वो शरीक हो चुका है। और ये सबसे पहले फ़लस्तीन, लबनान और उसके बाद शाम, तीनों जो हैं वो अब शरीक हैं इसराइल के ख़िलाफ़ इस जंग में। और शदीद यानी कि इस वक्त जो झड़पें हैं वो जारी हैं और सख्त इस वक्त जो है वो जंग जो है वो छिड़ी हुई है। और सूरत हाल कुछ ये है कि सैकड़ों की तादाद में फ़लस्तीनी शहरी जो हैं वो ज़ख्मी हैं, बेयारो मददगार हैं। वहाँ पे क्योंकि नाकाबंदी जो है वो की गई है इसराइल की जानिब से, बड़ी सख्त किस्म की नाकाबंदी की गई है जिसमें पानी, बिजली, खुराक, इंधन, इंटरनेट सर्विस जो है वो वहाँ पर मुअत्तल है और पानी, बिजली, खुराक वहाँ पर जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद कर दी गई है जिसकी वजह से पहले ही गज़ा के जो रहायशी हैं वो मुश्किलात का शिकार थे। अब उनकी जो मुश्किलात है उसमें मज़ीद इजाफा जो है वो हो चुका है और बहुत परेशान हैं वहाँ बयार व मददगार हैं। दूसरी जानिब इसराइल की जानिब से जो है वो बिला तफरीक जो है वो बमबारी जारी है जिसकी वजह से
वहाँ के जो गजा के रहायशी हैं उन्हें शदीद परेशानी का सामना है, खौफ का शिकार हैं। पना गुजीर कैंप्स के बाद अब पना लेने के लिए स्कूल्स का उन्होंने रुख कर लिया है, क्योंकि पना गुजीर जो कैंप्स थे उन पर भी इसराइली जो हैं वो हमले हुए हैं, बमबारी हुई है, निशाना जो है वो बनाया गया है। अक्वामे मुतहदा की रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं। ये थी ताज़ा तरीन जो अपडेट्स जिससे मैंने जो है वो आपको आगाह किया। इसमें सहाफ़ी भी जो वहाँ पर दौरान कवरेज जो है वो निशाना बने हैं, और 3 फ़लस्तीनी सहाफ़ी जबकि 7 हफ्ते से जो है वो शुरू होने वाली जंग जिसे आज 5वां रोज़ है, इस दौरान जो है वो 7 सहाफ़ी भी जो है वो शहीद हो चुके हैं। तो नाज़रीन चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे हमें फॉलो करें। इसी तरह हम आपको जो इस वक्त गज़ा में जो जंग जारी है फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान, उसकी ताज़ा तरीन जो अपडेट्स होंगी उसे हम आपको इसी तरह से जो है वो आगाह रखेंगे। तो ख़बरों का सिलसिला इसी तरह जो है वो जारी रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर हमें फॉलो करें। फिलवक्त के लिए मुझे इजाज़त दें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।